इस बार मैं सबसे पहले दिवाली विश करूंगा उन लोगों को जो सिर्फ इसलिए त्यौहार नहीं मना पाते ताकि हम त्यौहार मना सकें, वो सिर्फ इसलिए घर नहीं जा पाते ताकि हम सही सलामत अपने घर जा सकें। फिर चाहे वो ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट साहब हों या बस में टिकट काटने वाले जनाब कंडक्टर, वो चौराहे पे खड़ी ट्रैफिक पुलिस हो या सीमा पे खड़े हमारे फौजी, हमारे हीरो, हमारे धुरंधर, ऐसे बहुत लोग अपनों से दूर रहते हैं ताकि हम अपनों के करीब जा पाए। तो साहब ऐसे लोग कहीं आपको मिले तो उन्हें हैप्पी दिवाली विश करना ना। हे गाइस नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज है दीपावली, तो आप सभी लोगों को हमारी ओर से हैप्पी दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी घर से फोन आने लगा है तो हम कर लेते हैं बात, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो, चिट वगैरह डाल दी है, बाबू बैठे, ये देखिए अपना कार्टून वगैरह देखने लगे हैं। अभी हम चलते हैं, देखते हैं यार, अब कोई काम नहीं बचा है, सारी साफ सफाई हो गई थी। और ये देखिए पूरा सामान लाके रखा है। और यार दीपक और थे वो कहाँ गए? वो ऊपर धुलने के लिए दे दिए थे। अच्छा, और जितने दीपक थे ये देखिए ये सब ले आए थे हम लोग। और बस यार अगर पहले से पता चल जाता तो हम लोग सामान नहीं लेके आते। और इन्होंने थोड़े पटाखे तो जला दिए हैं और सोच रहे हैं कि किसी को दे देंगे। और बस यही होना है क्योंकि अब कुछ नहीं होना है। और अभी तक यार हम लोग शॉपिंग नहीं करते, अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि होगा, कोई ना कोई चला जाएगा। और गए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए हैं, गए भी हैं, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि सुकवा डूबा है, तो सुकवा डूबता है तो नहीं करना चाहिए ये सब, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं ये सब। खैर ये कहो कि आज भी थोड़ा सामान हम लोग लेने जाने वाले थे और तब तक पता चल गया इसलिए नहीं लाएंगे। लेकिन चलो लाइट वगैरह तो लग गई है और आज जो सामान लाना था वो नहीं जाएंगे लेने के लिए। हाँ क्या हुआ? तो देखते हैं, बाबू को अकेला छोड़ दिया, हम निकले जा रहे थे बाहर। हाँ ये कंघा उंगा सब कुछ नीचे फेंक देता है। तो बस अभी सब लोग खाना वगैरह खा लेंगे। और छोटू दाल चावल रोटी सब। और आज के दिन जो है ना कढ़ाई नहीं चढ़ती है, मतलब कि कढ़ाई में कुछ नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऑर्डर करके मंगा लेंगे। कढ़ाई नहीं चढ़ती घर में, ना चढ़ाओ और बाहर से मंगा लो कढ़ाई पनीर खा लो, बस यही है। तो आज हम लोग यहाँ रूखा सूखा ही, मतलब भैया छोटा है, अभी बड़ा होता तो इतनी जिद करता ना कि पटाखे दगाने। हाँ ये तो है। तो देखते हैं कि आज हमें लग रहा है हम लोगों को रूखा सूखा, मतलब वही दाल चावल रोटी सब्जी खानी पड़ेगी। और शाम को पता नहीं क्या खाएंगे। क्या हो गया, क्यों आ रहे हैं यहाँ बैठी? बोलो मामा, गुस्सा हो। और बाबू को भी हमने मॉर्निंग में नहला दिया था, वैसे इनको जुकाम है लेकिन हमने नहला दिया था, सोचा कि आज दीपावली है तो अच्छा नहीं लगता है। और इनके बाल देखिए, इनकी चोटी हमने आज खड़ी कर दी है, थोड़ा सा तेल लगा दिया था तो ये इनकी चोटी खड़ी हो गई है बाबू। और यार ये बहुत शैतान होता जा रहा है और बहुत जिद्दी भी होते जा रहे हैं। और ये जो छोला है वो हमारे यहाँ आज घर पे नहीं बना था, मॉर्निंग में नाश्ते में खस्ता और छोला आया था तो वो छोला जो है बच गया था, ये वही है। हाँ चला दो बस जल्दी जल्दी। कहाँ चले तुम, कहाँ जाना चाह रहे हो? बाहर आए। ये कौन जलाएगा? ये तुम जलाओगी? अरे यार हमको डर लगता है। लो ये वाला शॉर्ट्स में बनाओ, ये आप सभी लोगों को शॉर्ट्स में मिलेगा। इधर मोड़ दिया है। हाँ किधर जाएगा? अरे यार इधर जाते हो। लो तो बैठ के लगाओ आराम से, इधर जो बाहर निकला है इस तरफ जब पकड़ ले तब। हाँ ये भागेंगे वो अपना चला जाएगा। तो अभी उठ गए, सो गए थे, थोड़ा सा लेटे थे और हल्की फुल्की नींद आने लगी थी तो सोचा चलो उठते हैं। और मेरे घर में सारे लोग सो रहे हैं और अभी आई थिंक चाय बन रही है। और समझ में नहीं आ रहा यार क्या करें, बहुत अजीब अजीब सा दिन लग रहा है। दूध इसमें चाय पत्ती कम है, चाय पत्ती डालो थोड़ी और। यार बहुत ही अजीब सा दिन लग रहा है, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। और अभी बस चाय वगैरह पियेंगे। और हमने आज शॉर्ट्स बनाए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो इन्होंने बोला कि चलो जो हम लोगों के पास पटाखे वगैरह रखे हैं उनको थोड़ा पीछे चल के दगाते हैं। तो बस यही सब, मतलब मेन ये है कि कुछ बनेगा नहीं, मतलब कढ़ाई नहीं चढ़ेगी और दीपक नहीं जलेंगे और पूजा नहीं होगी। मेन मतलब ये है कि इतना हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वही है कि दीपावली में घर तो पूरा सजा ही है और बस पूजा और ये सब नहीं कर सकते हैं।
लेकिन एक बात बताएं, चाहे कहीं चहल पहल नहीं हुए ना, लेकिन हम लोग करते हैं ना थोड़ा बहुत। और क्या, अभी कितने फूल वगैरह आ गए हो तैयार। यही तो लगती चौक में, तो लगती फूलों की मार्केट। हाँ यार, अभी फूल वगैरह आ गए होते, गेट वगैरह, फूल जरूरी होता है, वो आता है, गेट वगैरह सब सज गया होता है फूलों से ना, रंगोली बनाने लगते, दीपक सजाने लगते हैं। जब दिए रखो। हाँ हाँ, नहीं दिए रखो, और जब रंगोली बना के पानी वाली क्या बनाते हैं, दिए तैरा करते हैं। हाँ, जब तैरा करते हैं ना, हम ऐसा देखो पानी की कितनी बड़ी रंगोली बनाई थी एक बार हमने, याद है। फिर भी से भैया समझदार नहीं, जानने वाले नहीं, अगली बार होगा तो बवाल हो जाएगा पानी से। और एक बार यार वो फूलों और पत्तों से क्या बनाई थी, अशोक के पत्ते। देखो देखो मोबाइल लेके उठे है। हाँ मोबाइल लेके उठे है। देखो थप्पड़ मारेंगे तुमको अभी, कुछ कहो ना, कुछ कहो ना। देखो तुमने कह दिया ना, इसीलिए मुंह देखो इनका। लो ये लो लो। अरे छुरछुरे यहाँ जलाने जा रहे हो? छुरछुरे नहीं, अच्छा अगरबत्ती है भाई। मच्छर इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब दिन में भी अगरबत्ती जलानी पड़ती है। मच्छर कम हो जाएंगे कैसे, जहाँ इतने पढ़ा के देखते मच्छर गायब हो जाते हैं। चलो कोई नहीं यार, अभी सबके छत पे जब जलेंगे ना तो हम लोग वहीं खड़े रहेंगे, देखेंगे दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेंगे। और क्या, और क्या, सब खुश रहेंगे तो हम लोग भी खुश। भैया क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, ये तीली जला रहा था उससे। बाबू देखो तो उसको, वो ये भी पता है मसाला किस साइड है उस तीली का। हाँ इसने कहा देखा ये चीज, ये तुम्ही को देखा। देखो देखो देखो, ये भैया बहुत नाटकबाज लड़का है, तो उसको ये पता है कि मसाले के साइड से ही जलेगी। हाँ हाँ हाँ, ले लो, नहीं तो ये जला देगा पता है। अभी हो गई है शाम और हम चलते हैं ऊपर, और ये देखिए दीपक जो कि बिना जले ही इस बार भी रह गए, और ये हमारे भगवान जी के गले का माला, और हमारे भगवान जी इस बार फिर बिना पूजा के ही रह गए। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा है माहौल। इतना उदास का है वो तुम, अभी जब तुम रॉकेट में आग लगा के भागी थी, कितनी तेज भागी थी तुम, रपट जाते तो दांत टूट जाते तुम्हारे। लाइट जला जाए, जला दे कम से कम, जो पहले लग चुकी थी। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर, ये हमारे घर के पीछे वाला मंदिर है, और हम लोग हर साल यहाँ पर आते हैं शाम में, तो यहाँ पे दीपक वगैरह देखिए सब लोग जला रहे हैं, तो हम लोग भी यहीं पे बैठे हुए थे और थोड़ी देर बैठे फिर अपने घर आ गए हैं, और घर में एक भी दीपक नहीं जला है, ना ही पूजा हुई है। और बस आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए एक बार फिर से हैप्पी दीपावली।